साहब, अभी कोई आया था, वो बोला है सिर्फ आप ही के हाथ में दूं। क्या है? वीरेन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? हमारे भतीजे अनुराग की करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। लंदन की पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्यों? क्या किया उसने? गुल खिला के आया वहां पर, और क्यों? हमारी कंपनी के रेपुटेशन का फायदा उठाकर बहुत बड़ा फ्रॉड करके आया वहां से। क्या बात हो गई जीजा जी? पूछो अपने इस नालायक बेटे से। तुम्हें तो हमने पढ़ने के लिए भेजा था ना लंदन, वहां जाकर तुमने क्या गुल खिलाए? हमारी कंपनी को बदनाम किया तुमने, हमारी कंपनी के रेपुटेशन का फायदा उठाकर वहां लोगों से पैसे हड़ता रहा है। ये पढ़ाई की है इसने वहां जाकर। अंकल, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं है, विश्वासघात है। उससे तुम किसी तरह की माफी की उम्मीद ही मत रखना। अंकल, अंकल मुझे माफ कर दीजिए। अंकल मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज अंकल। शर्मिंदा तो तुमने हमें किया है। निकल जाओ इस घर से। कविता, कविता इसे कह दो कि मैं इसे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप ये बच्चा है, गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। आप चाहो तो इसे चीप भर के डांटो, चाहो तो इसे ऐसे 10-12 तो पड़ाव मार लो, लेकिन इसे घर से मत निकालो। बेचारा कहाँ जाएगा जीजा जी? दीदी कहाँ जाएगा मेरा बच्चा? उसे से रोक लीजिए, जीजा जी को बता लीजिए। दीदी कोई कुछ नहीं कहेगा और ना मैं किसी की सुनूंगा। देखो दीदी, अनुराग ने गलती की है तो उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा है। वीरेन ठीक ही कह रहे हैं, अब अनुराग के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ऐसी बात करके मेरी डेथ तो ना कराओ। हम माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और आप लोग, जीजा जी आप लोग तो इसके लिए माँ बाप से भी बढ़कर। इसने कौन सा बेटे जैसा काम किया है? अरे अगर मेरे बेटे ने भी ऐसी हरकत की होती ना, ऐसी बेईमानी की होती ना, उसे भी धक्के मार के घर से निकाल देता। अरे इस घर में बेईमानों के लिए और दगाबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम अब तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? निकलो, निकलो इस घर से, निकलो। हमारे किए हुए धमाके ने एक शोर मचा दिया होगा, फिर सन्नाटा, एक सन्नाटा सा छा गया होगा उस घर में। एक चिंगारी ने उस घर में भी आग लगा दी और तितली मामी की खुशियों में भी। बेचारी तितली मामी की तो डेथ ही हो गई होगी और सारा का सारा शक बेचारे राहुल पर। So sad। तेरे सारे बातों पे मैंने पर्दे डाले, तेरी सारी गलत बात मैंने मानी, फिर क्यों? किस जन्म की दुश्मनी निकाली तूने मेरे अनुराग, मेरे पुत्र के साथ? तुझे पता है तेरे माँ बाप नहीं है ना, इसलिए तुझे नहीं पता कि जब बच्चे पर आ जाती है तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। हाय लगेगी एक माँ की, हाय लगेगी सारी बदुआ। कुछ नहीं होगा मुझे, ना मुझे आपकी हाय लगेगी और ना ही बदुआ, क्योंकि मैंने सब कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया तूने,
मेरे ननुराग की लंदन वाली बात तेरे सिवाय इस घर में किसी और को नहीं मालूम थी। घटिया इंसान है तू। मामी जी, सदा ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्यों अपने हुक्म कक्के को ऐसे ही गवा दूंगा। आप मेरे और निहारिका के बस में क्यों थे, क्यों थी आप? क्योंकि सिर्फ हम दोनों चाहते थे कि आपका बेटा लंदन में फ्रॉड करके भाग आया। किसी राज के जरिए मैंने अपनी सारी बातें मनवा ली आपसे, मनवाई थी ना आपसे। तो मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं कि जो मुर्गी मुझे सोने के अंडे दे रही है उसे अपने हाथों से मार दूं। मामा आप? चलो, इतनी तो तसल्ली हुई कि तुम आज भी मुझे मम्मी मानते हो। कम से कम बात करने में तो आसानी होगी। मामा, बात क्या है? तुम्हारी कही एक बात ही मेरे कदम यहां खींच लाई। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम किसी भी मां के चेहरे की एक भी शिकन देख नहीं सकते। मेरे चेहरे की ओर देखो, इस पर एक तो क्या, हजार शिकन तुम्हें दिखाई देंगे। क्या तुम्हें इस मां के चेहरे की शिकन का कोई ख्याल नहीं है? एक बार, सिर्फ एक बार वेदिका से मिल लो। मामा पर बेटा ना मत कहना प्लीज। बेटा वो लाली नहीं वेदिका ही है। पहले ही इस सच्चाई को समझते समझते इतनी देर हो गई। मैं नहीं चाहती कि अब इतनी देर हो जाए कि तुम अपने मन में सारी जिंदगी भर कोई पछतावा करो, अपने आप को कभी माफ न कर पाओ। अपने मन के शक के पर्दे हटाकर उसकी बात तो सुनो, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगे वही होगा, वही होगा जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम्हें इस मां के चेहरे की शिकन का वास्ता देती हूं। मैं जानती हूं कि तुम यहां आना ही नहीं चाहते थे। मां के कहने से तुम यहां आए हो, लेकिन लेकिन अच्छा है, मां के कहने से ही सही। तुम यहां आए तो तुमसे मिलने का एक मौका तो मिला। देखो ध्रुव, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें याद दिलाना चाहती हूं, वो बातें जो सिर्फ तुम और वेदिका यानी कि मैं जानती हूं। हम दोनों के अलावा वो बातें कोई नहीं जानता। ध्रुव, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार मैं अपने अतीत से बाहर निकली थी, तब मैंने तुम्हें अपना पति मानने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया था, अपने गले का मंगलसूत्र तोड़कर तुम्हें वापस दे दिया था। याद करो ध्रुव, और फिर तुमने मम्मी जी की खुशियों का वास्ता देकर मेरे सामने एक शर्त रखी थी, और मैंने वो शर्त मान ली और तुम्हारे साथ घर आ गई, और फिर हम दोनों के बीच एक दोस्ती का बंधन जुड़ने लगा, और धीरे धीरे वो बंधन कुछ और आगे बढ़ा। फिर गठबंधन की पूजा वाले दिन तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सूरज के बारे में बताया था कि वो जिंदा है। और फिर तुमने मेरे लिए सूरज की तलाश शुरू कर दी, और आरती और सूरज की शादी वाले दिन सूरज अचानक हमारे सामने आ गया और अपना वादा पूरा करते हुए तुम मुझे सूरज के पास छोड़ आए थे। लेकिन मैं वहां रह नहीं पाई,
तुम्हारे प्यार की तड़प मुझे तुम्हारे पास खींच कर ले आई। एक बार फिर हम बिछड़कर मिल गए थे और फिर सही मायनों से हम दोनों की शादी हुई थी। एक बार फिर मैंने तुम्हारे घर में गृह प्रवेश किया था। जरा सोचो ध्रुव, क्या ये बातें लाली जान सकती है? नहीं ध्रुव, ये बातें सिर्फ वेदिका जान सकती है, तुम्हारी पत्नी वेदिका यानी मैं। ध्रुव प्लीज, एक बार अपनी आंखों से यह शक का पर्दा हटाकर देखो, मेरी तरफ देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ही वेदिका। तुम चुप क्यों हो ध्रुव, प्लीज बोलो, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि मैं ही वेदिका हूं? अगर मैं तुम्हारी वेदिका नहीं तो ये सारी बातें मैं कैसे जान सकती, 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 कैसे जान सकती? कैसे हो गया ये सब? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्यों क्यों मैं अपनी वेदिका को पहचान नहीं पाया? हाँ आरती, वो वेदिका ही है। मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया। वो बार बार मुझसे कहती रही कि वो ही वेदिका है, वो ही वेदिका है, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उसे धक्के मार मार कर निकाल दिया, निकाल दिया अपने घर से, अपनी जिंदगी से। आरती, मैं वेदिका को खोकर इस कदर गम में डूब गया था कि मैं अपनी असली वेदिका को पहचान ही नहीं पाया। उसे लाली समझ बैठा। काश मुझे उसकी सच्चाई पहले मालूम हो गई होती। काश हम दोनों की शादी से पहले मुझे ये सब पहले पता चल गया होता, तो आज हम इस तरह रिश्तों के दो राहों पर खड़े ना होते। पर ध्रुव, आज ये अचानक कैसे हो गया? जो तुम्हें इतने दिनों तक अपनी वेदिका होने का विश्वास नहीं दिला पाई, उस पर तुम्हें अचानक यकीन हो गया कि वो ही वेदिका? क्योंकि आज मैं उससे मिला था और उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो वेदिका के सिवा और कोई नहीं जानता। पर ध्रुव, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब लाली इस घर में रह रही थी तब उसने घर वालों से ये सब बातें सुन ली हो। नहीं आरती, उसने मुझे वो बातें बताई जो सिर्फ दो इंसान ही जानते हैं, और वो दो इंसान हैं ध्रुव और वेदिका। नहीं ध्रुव, और भी कोई है जो ये सारी बातें जानता है। कौन 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 कौन? ये डायरी 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 हाँ ध्रुव, ये वेदिका की डायरी है। वेदिका इस डायरी में अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखती थी। पर वेदिका तो डायरी नहीं लिखती थी। ध्रुव, ये जरूरी तो नहीं कि पति अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानता हूं। डायरी लिखना बहुत ही पर्सनल बात होती है, शायद इसीलिए वेदिका ने तुम्हें इस डायरी के बारे में बताया ना। उस दिन जब मैं ध्रुव के साथ आरती की शादी के लिए ग्वालियर गई थी, नहीं जानती थी कि मेरा सूरज ही आरती का होने वाला पति है। एक पल में ही मुझे लगा जैसे मैंने अपनी मंजिल पा ली है। ध्रुव जब मुझे वहाँ सूरज के पास छोड़कर जाने लगा, तो न जाने दिल में क्यों एक खालीपन सा उतर आया।
पर वेदिका ने ये सब डायरी में, और ये डायरी तुम्हें कहां से मिली? कबर्ड में से। मैं जब कबर्ड साफ कर रही थी तो ध्रुव, ये डायरी पढ़कर तो कोई भी अनजान आदमी वेदिका के बारे में सब कुछ जान सकता है। और वो लाली, लाली तो इतने दिन इस घर में रही। ये डायरी मुझे नहीं ध्रुव, प्लीज नहीं, मैं तुम्हें ये डायरी नहीं पढ़ने दूंगी। तुम जिस अतीत से निकलना चाहते हो, मैं नहीं चाहती कि तुम उस अतीत के भंवर में फिर से फंस जाओ। हम पति पत्नी के बंधन में जरूर बंधे हैं, लेकिन मुझे आज भी इंतजार है अपनी पत्नी का हक पाने का। मैं अपनी दोस्ती का फर्ज जरूर निभा रही हूं, इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो तुम अपने अतीत को भुलाकर मेरी तरफ अपना प्यार भरा हाथ बढ़ाओगे। लेकिन आज, आज मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। सहम गई हूं मैं कि एक लड़की जिसका चेहरा वेदिका से मिलता है और जिसने तुम्हें पहले भी अपनी बातों में उलझाए रखा और अब भी उलझाना चाहती है, कहीं तुमने उस पर विश्वास कर लिया और उसे वेदिका समझ लिया तो जो पत्नी होने का हक मुझे मिलना चाहिए तुम उसे दे दोगे। और फिर ध्रुव, एक बार तुम मेरे बारे में सोचो कि जो आरती तुम्हें पहले भी इतना चाहती थी और हमेशा चाहती रहेगी, कहीं तुम उसके हिस्से का प्यार किसी और को तो नहीं दे दोगे? ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे ये डायरी मिल गई और मैंने अपना प्यार बचा लिया। ध्रुव, तुम अगर यूं ही लाली को बार बार मिलते रहे तो क्या पता तुम्हें वो यकीन दिला दे कि वो ही वेदिका है और तुम उसके पास। नहीं यार, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अपने ध्रुव पर भरोसा रखो, मैं उस छोटी लड़की की छोटी बातों में कभी नहीं आऊंगा। और मैं तुमसे वादा करता कि आज के बाद मैं उस लड़की से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। नहीं बेबी, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मैंने ध्रुव के नाम का सिर्फ अपनी मां से जाना, तुम उसे कभी नहीं मिटा सकती। ध्रुव के दिल में सिर्फ आरती का नाम होगा, वेदिका का नाम अतीत के गुमनाम अंधेरों में गुम हो जाएगा और मेरे आज पर कोई अतीत का साया नहीं रहेगा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं।